30 अगस्त को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सशस्त्र सुरक्षा बल मरोदा के कैंप में क्षेत्र की महिलाएं पहुंची और यहां अपने घरों से दूर रहने वाले जवानों को परिवार से दूर रहने का स्मरण ना हो इसके उद्देश्य से सभी जवानों को रक्षा सूत्र बांधा और अपनी सुरक्षा का वचन लिया। देश के विभिन्न हिस्सों में वह जवान तैनात है जिनकी वजह से आज हम अपने घरों में सुरक्षित रह पा रहे हैं। ऐसे ही जवान सशस्त्र सुरक्षा बल के मरोदा में भी निवास करते हैं। इन्हें अपने घर से दूर होने का एहसास ना हो और विशेष तौर पर रक्षाबंधन के त्यौहार पर इन जवानों को अपनी बहनों की याद न सताए, इस उद्देश्य को लेकर मरोदा क्षेत्र की महिलाएं 30 अगस्त को रक्षा सूत्र लेकर SSB जवानों के पास पहुंची और पूरे विधि विधान से एक बहन का फर्ज निभाते हुए इन जवानों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधा। साथ ही मुँह मीठा कराकर उनकी आरती भी उतारी और एक बहन होने के नाते इन जवानों से अपनी रक्षा करने का वचन भी लिया। SSB के जवानों ने उपस्थित जन समुदाय को बताया कि अपने घरों से दूर रहने के बाद भी इन क्षेत्रवासियों के प्यार और दुलार से हमें अपना पूरा परिवार यही मिल गया है। देखिए, जो भी त्यौहार हो, अक्सर ऐसा होता है कि त्यौहारों में हम लोग अपने परिवार से दूर, अपने घरों से दूर रहते हैं, लेकिन भिलाई में आने के बाद और कई लोगों पर जगहों पर और पर ऐसा महसूस हुआ कि जो स्थानीय निवासी है उन्होंने हमारी इस कमी को पूरे करने की पूरी कोशिश की है। आज ऐसा ही एक दिन है, हम लोग रक्षाबंधन के पावन अवसर पर अपने घरों से दूर, अपनी बहनों से दूर हैं, लेकिन यहाँ की बहनों ने हमें ऐसा महसूस होने नहीं दिया कि हम अपने घरों से दूर हैं। कई बहनें अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधने से पहले यहाँ आई और हमारे सभी साथियों के साथ, मेरे साथियों के साथ मेरे कलाइयों पर हमने राखी बांधी। अगर आप मेरी कलाई देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने लोग यहाँ आए और कितने राखी, कितने प्यार से, कितने श्रद्धा से उन्होंने हमारे कलाइयों पर राखी बांधी है। हम इसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं क्योंकि ये एक भावना है जो हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे तहे दिल से हम लोग सभी बहनों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना मेहनत किया और हम लोगों को अपने घर की कमी को महसूस ना होने दिया। धन्यवाद। जवानों के कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांध कर बहनें जितनी खुश नजर आ रही थी उससे ज़्यादा जवानों की खुशी देखते बन रही थी। बहनों के रक्षा सूत्र बांधते समय कुछ जवानों की आँखें भी नम हो गईं, परंतु उसके बाद की खुशी ने पूरे माहौल को खुशनुमा बना दिया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।